तो मरियम किचन में आप सबको खुशामदीद। ये रहा हमारा पप्पर का आटा कूट के आया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो आटा गूंदने का अपलोड की थी, वो आप लोगों ने देख चुके होंगे। अब मैं इसके पापड़ बनाऊंगी। ये हमारे सफ़ेद पापड़ और ये लाल, इसमें थोड़ी लाल कलर थोड़ा कम हो चुका है, इसलिए थोड़ा ऐसा नज़र आ रहा है आटा। अब इसको हम कैसे करेंगे वो बताएंगे। ये है, इसको थोड़ा हम अब तेल हाथ को लगाएंगे और इसको ऐसे करेंगे, अच्छे से थोड़ा और नरम बनाएंगे। खींचते इसको तोड़ तोड़ के, ये देखो ये मैंने इसको ऐसे ये क्यों, ये देखिए इसको हम ज़रा बड़े बड़े बनाएंगे, क्योंकि ये मोटे पप्पर होते थोड़े लाल वाले कलकड़। इसको काटेंगे और जल्दी से हम इसको पतीले में रख देंगे, वरना ये कड़क हो जाएंगे। इसके बाद मैं आप सफ़ेद वाले बताती हूँ वैसे ही करके। अब मैं इसको खींचती हूँ और फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए ये हमने ये भी वैसे ही खींचे। अब इसके बड़े नहीं बनाएंगे, इसके छोटे बनाएंगे। ऐसे कोई कोई इसको धागे से काटते गोल करते धागे से। ऐसे कटिंग करेंगे छोटे छोटे। ये अब हम पापड़ बेलेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करने के, बहुत सारे लोग घर में, घर के ही लोग बैठने के, तो बोले तेल के लिए कितने बर्तन निकालेंगे बाउल, तो हम ऐसे उसकी कटोरी बनाते थे, इसमें तेल डालते थे ऐसे और बैठते थे बनाने के लिए। मैंने आपको बताई ऐसी स्टाइल आइडिया। अब इसको हम पप्पर बेलेंगे। ये ज़रा मोटे ही रहते, ये बहुत पतले नहीं बनाते, इसको कलकंड बोलते। फ्राई करके भी दिखाऊंगी। आप सफेद बताती,
सफेद पतला, जितना पतला होगा उतना अच्छा। ज्यादा तेल नहीं लगाते, ज्यादा तेल लगाने से पपड़ लाल हो जाते हैं कलर। ये हमारा एक पपड़ बन के तैयार है, इसको हम ऐसे प्लेट में रखेंगे। अब मैं ऐसे ही बनाती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। ये देखिए मैंने सफ़ेद पापड़ और लाल पापड़ दे दी। अब मैं सूखने डालती हूँ, सूखने के बाद फिर आप लोगों को वापस से फ्राई करके दिखाऊंगी। हमारे अभी पूरे तरह से सूखे नहीं हैं, ये गीले ही है थोड़े थोड़े हल्के हल्के, इसलिए अभी मैं फ्राई करूंगी इसको और बताती हूँ। देखिए हमारी अभी गीले, इसलिए ये पूरी की तरह फूल चुके हैं। सूखने के बाद इतने सारे नहीं फूलेंगे, ये अभी गीला है पपर, और ये उससे भी एकदम ताजा गीला हो गीला पपर। लाल पपड़ डालेंगे, इसको मेहनत बहुत है, इसकी कुटावन बहुत है, इसलिए अभी आजकल सब रेडीमेड खाते हैं बना के। आपको पप्पा पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताना जरूर। ज़रा ऐसा कलर नहीं आया, कुटी हुई लाल मिर्ची है ना ये, इसलिए इसका लाल कलर नहीं आया इसके ऊपर। ये रहे हमारे पपड़ गीले गीले फ्राई किए, सूखे नहीं अभी तक। आपको बताती हूँ मैं सूखने डाली वो भी। अब धूप आ चुकी है इधर, इसलिए ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। ये हमारे पपड़ यहाँ हमने दरवाजे के सामने हमारे किचन के, धूप आ रही है इसलिए सूखने डाली है। ये देखिए हमारे अभी दूर का नज़ारा आपको नज़र नहीं आएगा जगह का, ये बड़ा दिखता ही हमारा जाम, लाल जाम का दरख्त है। और ये ऐसा मैंने छोटा सा लकड़ियों से बना दी हूँ मंडप, क्योंकि यहाँ पर मैंने वाल पापड़ी और तुरई के डब्बे में झार लगाई हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी और एक रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।